हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो। और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो फर्स्ट आपको आना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है अल्ट्रा वीपीएन। जब फर्स्ट सर्च करेंगे अल्ट्रा वीपीएन तो आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा, जिसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन, किसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, फुल डिटेल बारे में बात करेंगे, जिसका लास्ट अपडेट 1 जुलाई 2021 को था। दोस्तों इस अपन से यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, फुल डिटेल बारे में बात करेंगे, जिसका आप देख सकते हैं 100 के डाउनलोडिंग है, 4.2 का रेटिंग है। तो चलिए हम दोस्तों फर्स्ट इसे ओपन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, फुल डिटेल बारे में बात करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ से हमें ऑप्शन क्या क्या मिल जाता है देखने को। यहाँ पर हमारा ऑल सर्वर मिल जाएगा, ऑल कंट्री का यहाँ से सर्वर मिल जाएगा। यहाँ से न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, यहाँ से स्पीच टेस्ट का आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका प्रीमियम का या वीआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे अगर एक प्रॉक्सी का आइकन मिल जाता है, तो फर्स्ट एक प्रॉक्सी का आइकन पर आप क्लिक करेंगे। एक प्रॉक्सी का आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलता है, एक अबाउट का आइकन मिलेगा, एक फीडबैक का। तो बैक आते हैं, बैक आने के बाद कैसे ऑन करते हैं, आपको ऑन करने के लिए आपको टैप टू कनेक्ट वाला आइकन पर फर्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। जब तो आप टैप टू कनेक्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो डू नॉट सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर हेलो जलाओ के आइकन पर क्लिक कर देना है। और यहां से आपका कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग आपको दो या पाँच सेकेंड वेट करना पड़ेगा। और आपका ऑन होने के बाद यहाँ से आपका आइकन मिल जाएगा, आपका आईपी एड्रेस कुछ इस तरह आपको मिल जाएगा देखने को, इसका लास्ट 5 मिनट मिल जाएगा, कनेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ से आपसे क्लोज भी कर सकते हैं, और ये सक्सेसफुल कनेक्टेड हो गया है दोस्तों। चलिए हम बस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से ऑप्शन में क्या मिलता है, ये हमारा 5 मिनट के लिए अवेलेबल है। अगर 5 मिनट कम्प्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर इस फिर ऑन करने के लिए आपको फिर एक टाइप आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। और इसका यहाँ से स्पीच टेस्ट के आइकन पर क्लिक करके स्पीच टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका वीपीएन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको स्लो और नॉट वर्क आइकन पर क्लिक कर देंगे, यानी रिपेयर का आइकन क्लिक कर देंगे तो रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद बेहतरीन आपको कनेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे टॉप पे आपकी कितनी फ़ोन की स्पीड आ रही है और कितनी जा रही है, यानी आपको यहीं से मिल जाएगा देखने को। और एक बात और दोस्तों, अगर इससे आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट इस वाला आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका डिस्कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप इस तरह से एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल पर लिखा चल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं न्यू वीडियो इसी तरह लाता रहता हूं दोस्तों। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह लेके। थैंक यू सो मच।